कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मौन सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के बताए रास्ते पे चलती है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी संसद के अंदर, संसद से सड़क तक, उन्होंने सत्याग्रह के माध्यम से, अनुनय विनय के माध्यम से अपनी बात प्रखरता से मोदी सरकार को चेताया है। बार बार उन्होंने कहा है कि जिन मुद्दों को बना के आप देश में शासन में आए हो, बेरोजगारी का आपने मुद्दा बनाया, आपने महंगाई को मुद्दा बनाया, आपने करप्शन को मुद्दा बनाया, तीनों मुद्दों पे आपकी सरकार फेल रही है। इवन अडानी और अंबानी से आपके क्या रिलेशन है, उस पर उन्होंने प्रश्न किया और उत्तर चाहा। वो उत्तर देने की बजाय मोदी सरकार ने राहुल गांधी पे, गांधी परिवार पे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे चुन चुन के हमला किया। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया, दुरुपयोग कर रही है, और राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त किया गया। और अभी भी आप देख रहे हैं पूरा देश के सारे संवैधानिक इंस्टीट्यूट है वो दबाव में है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई दबाव में है, संविधान खतरे में है। हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि देश किस दिशा में जाएगा और किस दिशा में जा रहा कोई नहीं बता सकता है। देश के इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि न्यायपालिका दबाव में है। इन सारे मुद्दों पे अभी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने पूरा देश का ध्यान खींचा है और राहुल गांधी के साथ पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है। अब समय आ गया है कि राजस्थान में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस ढंग से महंगाई को कम करने के लिए सिलेंडर 500 रुपये का किया, राजस्थान की जनता को पेंशन शुरुआत 500 रुपये से की, 500 से 750 किया अशोक गहलोत जी ने किया, और अब 1000 रुपये किया। कल ही DBT के माध्यम से आपने देखो कि पेंशन पूरे राजस्थान को मिली है, और अब तो कानून ला रहे हैं कि 15% पेंशन हमेशा हर साल बढ़ती रहे। तो बुनियादी मुद्दों पर ध्यान अगर खींचा है या काम किया है वो राजस्थान की सरकार ने किया है। पूरे देश में OPS लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। पूरे देश में RTS लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। पूरे देश में 25 लाख का बीमा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। महंगाई राहत कैंप लगाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। और इस देश में भाईचारा बना रहे ये राजस्थान की सरकार ने सिखाया है कि हिंदू, मुस्लिम, सब सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। अब ये नफरत की राजनीति चलने वाली नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। ये सारे कांग्रेसजन उनका ये पैगाम लेके गांव-गांव, ढाणी ढाणी, बूथ बूथ पे जा रहे हैं। और BJP की जो चाल है वो कर्नाटक में फेल हो गई है। बालाजी को उन्होंने, हनुमान जी को उन्होंने जिस ढंग से राजनीति में उपयोग करना चाहा, खुद बालाजी ने उनके ऐसा घोटा लगाया, ऐसा उनके उनको बताया कि उनकी आप देख रहे हैं सरकार बड़े बहुमत के साथ आई है। और बड़े बहुमत से आने का एक कारण ये भी है कि जिस ढंग से इन्होंने चुन चुन के प्रदेश की सरकारों को, विपक्ष की सरकारों को गिराया है, हमारे राजस्थान में भी गिराने का षड्यंत्र किया, वो हमने फेल कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जाबांज विधायकों ने और राजस्थान की जनता ने फेल कर दिया। इसलिए बड़ा बहुमत इस बार राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया है मिशन 156, वो कामयाब होगा, रिवाज बदलेगा। अशोक गहलोत जी के लीडरशिप में इस बार कांग्रेस में फिर सरकार बनेगी। ये अजमेर के लोग हजारों की संख्या में पहली बार इन 5 साल में, क्यों डॉक्टर साहब, पहली बार 5 साल में इतनी बड़ी संख्या में सारे, हमारे डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया है, हम प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रभारी रंधावा जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि अजमेर जिले में डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी को उपाध्यक्ष बनाया, हमारे वहाँ से कैलाश जालीवाल जी को सेक्रेटरी बनाया, लारा जी को सेक्रेटरी बनाया, हमारे नरेश चौधरी पहले से सेक्रेटरी है, महेंद्र गुजर जी को अब प्रमोट करके सेक्रेटरी से उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया। कहने का मतलब है अजमेर जिला राजस्थान में, अभी तो हमारे सीटें केवल 2 हैं वहाँ पे, लेकिन इस बार अजमेर जिला 8 की 8 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी को जिताएगा। ये हमारा संकल्प। अब आप देखिए ना, पूरा देश 2 आदमी चला रहे हैं। अब वो जमाना गया, अब ये एक्सपोज हो गए हैं। इनके पास अजमेर आए थे मोदी जी, हमने सारे लोगों ने मांग करी उनसे कि आप अजमेर आए हो तो कुछ अजमेर को देखे जाओ, पुष्कर आए हो कुछ पुष्कर को देखे जाओ, कुछ नहीं दिया, फूटी कौड़ी नहीं दी। इवन अजमेर जिला ERCP के मामले में पानी और सिंचाई के पानी की मांग कर रहा है इनसे,
यहाँ प्रधानमंत्री जी आए, जो पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब प्रधानमंत्री जी ने खुद ने अजमेर में जयपुर में कहा था कि ERCP को मैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा। दुर्भाग्य है अब वो खुद प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ गहलोत साहब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आज तक ERCP के मुद्दे पे एक शब्द नहीं बोला। आने वाला वक्त उनको बताएगा, 2023 में तो रिपीट करेगी सरकार, 24 में भी। अब ये सरकार इनकी विदा होने वाली है और राहुल गांधी देश के नेता हैं और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।